तो वेलकम बैक। यानी लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि सिंपल इफ स्टेटमेंट यानी हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें हम एक चीज़ करेंगे जो लॉजिकल यानी एफ जो लॉजिकल एंड है वो इस इफ के साथ यानी हम कैसे करते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि लॉजिकल एंड में क्या होता है, यानी कोई दोनों अगर दोनों ट्रू है तो तब ये क्या होता है, अगर दोनों यानी ऑपरेंड ठीक है तो भी ट्रू है तो तब ये ट्रू हो जाती है, अदरवाइज यानी क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। तो इट मींस यानी हम अगर इफ कंडीशन के साथ अगर ये लगा तो हम वो कैसे यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे उसका थोड़ा एग्जांपल करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए इक्वल टू मैं यहाँ पे 10 लगाती हूँ, फिर इसके बाद मैं दो यानी यहाँ पे वेरिएबल बनाती हूँ, बी इक्वल टू 20 लगाती हूँ यहाँ पे b = 20। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करती हूँ कि इफ ए इक्वल टू 10, अगर ए 10 है तो मैं इफ स्टेटमेंट के लिए अंदर और एक पैराथिसिस क्रिएट करना होगा मुझे, इफ ए इक्वल टू 10 और साथ में एंड एम्परसन बी इक्वल टू 20। अगर इफ इक्वल ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20 तब ये वाला मैसेज प्रिंट करो, DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे एक मैसेज है ITI LEH 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 LEH
देखते हो कि इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल लिया ए एंड बी, और तीसरा जो इसमें मैंने कंडीशन दिया, अगर ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 2 है तो तब ये मैसेज प्रिंट करो, अदरवाइज यानी ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। चलो देखते हूँ इसको, देखो आईटीआई ले प्रिंट हो गया। अगर इसमें से अगर हम कुछ भी अगर चेंज करेंगे, तो अगर मैं ए इक्वल टू 30 और यहाँ पे कंडीशन में मैंने क्या लगाया है, ए इक्वल टू 10 लगाए है, बी इक्वल टू 10 20 लगाए है, अगर ये दोनों अगर सही है तो आईटीआई प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे अभी नहीं है अभी, क्योंकि मैंने बी का वैल्यू चेंज किया, लेट्स सी द रिजल्ट इसका, यानी क्या आ जाएंगे मीन्स, यानी इसमें कुछ भी नहीं आ जाएंगे। देखो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉजिकल, हमने लॉजिक लगाया हुआ है, क्योंकि अगर ये दोनों सही है तो भी एंड में क्या होता है, अगर बोथ, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द रिजल्ट विल कमिंग, यानी ट्रू आ जाते हैं। अगर इफ बोथ रिजल्ट बोथ ऑफ वन ऑफ देम इस क्या हो, अगर उसमें फॉल्स हो तो, यानी दोनों क्या आ जाते हैं, उसमें फॉल्स हो जाते हैं, मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स नहीं आ जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन, अगर ये दोनों ठीक है तो ये वाला मैसेज प्रिंट करना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये नहीं आ जाएंगे। तो इसी तरह यानी हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को हम यूज़ करके किसी मैसेज को यानी हम क्या कर सकते हैं, सॉरी प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यानी इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।